हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बनाएंगे मैगी विद चाइनीज समोसा। तो समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कप मैदा, स्वाद अनुसार नमक, दो बड़े चम्मच घी, और आप चाहो तो बटर भी यूज कर सकते हो। फिर आटा गूंदने के लिए एक ग्लास पानी। स्टफिंग के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कप मैगी। यहाँ पे मैंने एक कप मैगी ली थी जिसको मैंने बॉईल कर दिया है। फिर हमें चाहिए बॉईल किए हुए बटाने। यहाँ पे मैंने आलू लिया था जिसको मैंने बॉईल करके मैश कर दिया है। फिर हमें चाहिए एक कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। यहाँ पे मैंने एक कप सिंगदाना लिए थे जिसको मैंने मिक्सी में क्रश कर दिया है। फिर हमें चाहिए एक कप कद्दूकस किया हुआ गाजर, एक कप पत्ता गोभी, दो बड़े प्याज कटे हुए, दो चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच मैगी मसाला, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक नींबू का जूस, स्वाद अनुसार नमक, और समोसा तलने के लिए तेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैगी विद चाइनीज समोसा की रेसिपी। सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे मैदा, स्वाद अनुसार नमक, फिर डालेंगे बटर। हम दोनों ही चीजों को आटे के साथ अच्छे से मिला लेते हैं। हमारा नमक और बटर दोनों ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे और आटा गूंदेंगे। हमारा आटा गूंदकर रेडी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। अब हम आटे को ढककर 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब तक हमारा आटा रेस्ट हो रहा है तब तक में हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। गैस को ऑन कर देते हैं। अब हम इसमें 3 चम्मच जितना तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे। अब हम इसमें कटे हुए शिमला मिर्च डालेंगे। मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें पत्ता गोभी डालेंगे, फिर डालेंगे गाजर, इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, फिर हम डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, मैगी मसाला, मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नींबू का जूस, अनुसार नमक। इसमें हम नमक थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि हमने आटे में भी नमक डाला है। हम इसको मिला लेते हैं। बटाने, मैश किया हुआ आलू। अब हम इसमें मैगी डालेंगे, सिंगदाने का पाउडर। सारी चीजों को अच्छे से मिला देते हैं। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ, मिक्स कर देते हैं। स्टफिंग बनकर रेडी है। गैस को बंद कर देते हैं। 20 मिनट बाद आटे को और एक बार मसल लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ड्राई मैदा लिया है। ड्राई मैदा है उसमें से एक चम्मच मैदा ले लेते हैं। अब हम इसको कप के अंदर डालेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच पानी डालेंगे। इसको मिक्स कर देते हैं। अब हम थोड़ा आटा लेंगे, इसका हम बोल बना देते हैं। हमारा बोल बनकर रेडी है।
अब हम इसको मैदे का जो ड्राई आटा है उसमें डिप करेंगे। अब हम इसे चपाती की तरह बेल लेते हैं। हमारा गोल बनकर रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको चाकू की मदद से बीच में से कट करेंगे। जिस तरह हमें कट करना है, अब हम क्या करेंगे, हाथ की मदद से सबसे पहले हम इस साइड का पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरह से उठा के इस तरह फोल्ड करना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है उसको इस तरह फोल्ड करना है। देखिए, अब हम यहाँ पे ये जो पार्ट है थोड़ा सा इसको इस तरह से साइड में ले लेते हैं। अब हम इसमें ये जो हमने मैदे का गम बनाया है उसको यहाँ पे इस तरह से स्प्रेड कर देते हैं। अब हम इसको जॉइंट कर देते हैं। देखिए, इस तरह से नीचे की साइड थोड़ा दबा देते हैं ताकि हमारा जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। अब हम इसमें चम्मच की मदद से थोड़ा स्टफिंग लेंगे और इसको हम समोसा के अंदर डालेंगे। हाथ की मदद से थोड़ा इसको दबा देते हैं। हम समोसा के अंदर ज्यादा मसाला नहीं डालेंगे। जो हमने मैदे का गम बनाया है वो थोड़ा यहाँ पे साइड में चिपका देते हैं इस तरह से। अब हम इसको जॉइंट कर देते हैं इस तरह से। देखिए, बनकर रेडी है हमारा समोसा। अब हम ठीक इसी तरह दूसरा बनाएंगे। अब हम इसको हाथ में ले लेते हैं। पीछे के पार्ट को हम उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे इस साइड और इसको इस साइड। अब हम ये जो पार्ट है ना वहाँ पे मैदे का गम लगाएंगे। थोड़ा सा ले लेते हैं और यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। अब हम इसको जॉइंट कर देते हैं यहाँ पे। नीचे की साइड भी थोड़ा चिपका देते हैं ताकि हमारा जो स्टफिंग है वो समोसे से बाहर ना निकले। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। फिर से हम मैदे का गम ले लेते हैं, थोड़ा सारी साइड चिपका देते हैं। अब हम इसको इस तरह से जॉइंट कर देते हैं। तो देखिए, बनकर रेडी है हमारा दूसरा समोसा। ठीक इसी तरह हम समोसा बनाएंगे। हमारे समोसे बनकर रेडी है। अब हम इसको तेल में फ्राई करेंगे। अब हम कढ़ाई में तलने के लिए तेल डालेंगे। गैस को ऑन कर देते हैं, तेल को गर्म होने देते हैं। हमें तेल को मीडियम गर्म होने देना है। हमारा तेल गर्म हो चुका है, चेक कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा मैदे का आटा डालते हैं। देखिए, ये तुरंत ऊपर आ गया है, मतलब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें समोसा डालेंगे। एक बार के समोसे तलने के लिए हमें 7 से 8 मिनट लगता है। गैस को हमें मीडियम ही रखना है। अब हम इसको पलट देते हैं। अब हम इसे निकाल देते हैं। तो बनकर तैयार है हमारे समोसे। इसे हम प्लेट में निकाल देते हैं।